हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेज लेआउट यूजिंग इंक्लूड स्टाइल, और जो सेकंड वाला है हायरार्किकल स्टाइल, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद प्रैक्टिकल। तो आज की इस वीडियो में इंक्लूड स्टाइल के थ्रू प्रैक्टिकल करने वाले हैं और चीजों को समझने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है माई टाइम लिप, जो कि एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, तो गाइस सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपांड करता हूं और इसके अंदर मैं एक नया कंट्रोलर क्रिएट करता हूं। उसी के अंदर नहीं करूंगा, थोड़ा सेपरेट करूंगा कोडिंग, ताकि यू नो थोड़ा सा कोड मेसी ना लगे, इसलिए डिफरेंट एक अनदर कंट्रोलर क्रिएट करता हूं। लेट्स से नेम इसका कुछ भी रख सकते हो आप, अकॉर्डिंग वट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पर रख देता हूँ लेआउट कंट्रोलर, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कंट्रोलर के अंदर एक हैंडल लिख देता हूँ, राइट। तो ये मेरा कंट्रोलर बन गया, गेट मैपिंग, गेट मैपिंग। लेट्स से यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे भी मेरे को पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स रिटर्न, दैट्स इट। ये मेरा हैंडल बन गया और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, फाइनली इतना बन गया गाइस। अब इसके करस्पॉन्डेंस मैं क्या करूँगा, एक व्यू क्रिएट करूँगा जो कि इंडेक्स होगा, राइट। तो लेट्स से इसको मैं अभी एक्सपांड करूंगा, और इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर बाकी बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन मैं नया क्रिएट करूंगा, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आप लोग स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा सारे कॉन्सेप्ट मैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ, राइट। ओके, नॉट दिस वन। अच्छा, लेट्स से या कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे न्यू। लेट्स से हमें क्या करना है, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना, मतलब व्यू क्रिएट करना है, राइट। दैट्स इट। ओके, अभी गैस ये बन चुका है, ये कंट्रोलर है जिसका हैंडलर के करस्पॉन्डेंस मैंने व्यू बना लिया इंडेक्स पेज। अब गैस इसकी डिजाइनिंग के लिए मैंने क्या किया, इंटरनेट से यू नो पहले से कोड निकाल रखा है, ताकि हमारा वीडियो का लेंथ स्मॉल रहे। तो गैस देख सकते हो वो स्टाइल कैसी है, यहाँ पे देख सकते हो ये पेज है बेसिकली, राइट। एचटीएमएल, ये बेसिकली एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव पेज है, सिंगल पेज है, राइट। इसी पेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे गैस, यहाँ पे कॉमन क्या है, मेन्यू बार जो कि हेडर सेक्शन है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, और ये सेंटर का पार्ट है जो कि चेंजेबल है, जो कि चेंज होगा अकॉर्डिंग टू पेज। लेट्स से अबाउट अस है तो अबाउट अस का कंटेंट दिखेगा, होम है तो होम का कंटेंट दिखेगा, राइट, सो ऑन। उसके बाद ये हमारा फुटर सेक्शन है जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा, और हेडर सेक्शन भी कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। एवरी पेज पे वो दिखेगा, कॉमन रहेगा, राइट। तो क्या करने वाला होगा, इस यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड वॉट ओपन विथ नोट पैड कंट्रोल सी एंड प्रोजेक्ट पे आऊँगा, और यहाँ पे जो पेज क्रिएट किया है इसके अंदर मैं कंट्रोल वी करूँगा। ऑफकोर्स कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज उठा लो, कोई भी आपको टेम्पलेट मिल जाए यूज़ कर लो, बट यहाँ पे मैं मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि यार यहाँ पे कुछ है, नेट पे डालोगे रिस्पॉन्सिव बूट स्टेप टेम्पलेट लाइक दैट तो मिल जाएगा, राइट। एंड अदरवाइज एट द एंड ये मैं अपलोड करूँगा गिटहब पे तो पूरा मिल जाएगा। ओके, सो नाउ गाइस, इसके अंदर ये जो जेएसएस फाइल है, सीएसएस फाइल है, बूटस्ट्रैप, ये सब आपको यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी एंड सिंपली कुछ नहीं करना गाइस, स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर जिसका नेम लेट से स्टिकी रख लेता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, और इसके अंदर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो सारी फाइल्स आ गई। अगर ध्यान से देखोगे गाइस, इनके फोल्डर का नेम जो है स्टिकी फूटर नेवर टेम्पलेट फॉर बूटस्ट्रैप फाइल्स लाइक दैट, जो कि यहाँ पे था, राइट, ये फोल्डर। लेकिन हमारे पास गाइस क्या है, मैंने स्टिकी रख दिया, तो यहाँ पे चेंज करना होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड फाइंड करता हूँ, यस, और फाइंड करता हूँ, रिप्लेस किससे कर देता हूँ गाइस, स्टिकी से कर देता हूँ, क्योंकि स्टिकी मैंने फोल्डर कर दिया, राइट। सो एक मिनट, जस्ट मिनट यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, राइट। तो मैंने रिप्लेस ऑल करना है गाइस, जस्ट मिनट, ये क्या हो गया, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, व्हाट, स्टिकी, राइट, और फिर मेरे को रिप्लेस ऑल करना है, राइट। तो जहाँ जहाँ पे फोल्डर थे वो जो लेंदी सा नेम था वो छोटा सा नेम हो गया, दैट्स इट, बस कुछ नहीं किया गाइस, कॉपी पेस्ट किया है और फोल्डर नेम चेंज किया, दैट्स इट। अब गाइस अगर मैं इसको रिलॉन्च करूँ, अगर इस एप्लीकेशन को, जो कि मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर रखा, व्यू भी क्रिएट कर रखा है, हैंडलर बन चुका है, अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो एप्लीकेशन रन होनी चाहिए एज इट इज़, जो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है नॉर्मल सा, ठीक
ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी यही डिज़ाइनिंग दिखनी चाहिए। ओके नाउ गाइस यहाँ पे आते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल होस्ट 8001 नॉट दिस वन, ये हमारा पोर्ट है और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स होगा गाइस, तो यू कैन सी हियर गाइस या सक्सेस राइट। ओके अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूड स्टाइल को कैसे यूज़ करने वाले, क्या होता है बेसिकली, अब आपको बात समझ में आएगी एक्चुअल मीनिंग राइट। तो प्रोजेक्ट पे आते हैं गाइस, अब यहाँ पे आपको पता है हेडर पार्ट कॉमन है, फूटर कॉमन रहेगा, चेंज होगा तो सिर्फ सेंटर का पार्ट राइट। मैं क्या करता हूँ गाइस, मान लो कल को एक अबाउट का पेज, इमेजिन दैट एक अबाउट अस का पेज बना रहे हो, तो क्या होगा, आप इसमें जितनी भी स्टाइलिंग की है, मतलब क्योंकि आपको इसके अंदर का जैसे मेन्यू बार आपको यूज करना है अबाउट अस पे, तो यहाँ का क्या करोगे, इस नैव बार मेन्यू को आप यहाँ से कॉपी करोगे और वो फूटर सेक्शन में पेस्ट करोगे राइट, और हेडर सेक्शन में पेस्ट करोगे, हेडर सेक्शन बनाने के लिए मेन्यू बार, उसके बाद आप फूटर सेक्शन कॉपी करोगे, फिर अबाउट अस में रखोगे और उसके बाद सेंटर का पार्ट आप चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू मेन्यू राइट। तो लेट्स से इमेजिन दैट, करना क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, लेट्स से इंडेक्स है, इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे और लेट्स से अबाउट बना लिया आपने पेज, और ये पेस्ट, ये आपका अबाउट बन गया एज इट इज़, कहाँ गया, अगर अबाउट मैं यहाँ पे था, इसको मैं ओपन करूँ तो सब कुछ सेम है। अच्छा टाइटल मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो आप बाद में चेंज करिएगा, लेट्स से मेरा मेन्यू सेम रहेगा, फूटर सेम रहेगा, तो ये रहा हमारा फूटर और ये हमारा रहा मेन्यू बार ऊपर वाला, और ये सेंटर वाला हमारा क्या है अबाउट अस, तो यहाँ पे लेट्स से हम स्लिप कर देते हैं अबाउट अस, आई एम अबाउट अस समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर दो यार ठीक है। तो ये गाइस देख लो, सिर्फ इतना सा चेंज किया और हैंडलर लिख दो इसका जा करके बस। तो गाइस यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे एक चीज, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, राइट लॉन्च किया एंड फिर से पेज पे आए और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो सेम दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे गाइस अगर आप अबाउट का देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ आई एम अबाउट ऐसा आ गया, बाकी सेंटर का पार्ट चेंज हुआ है क्योंकि मैंने इतना ही चेंज किया, बाकी ये सब नहीं चेंज किया, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो लाइक दैट। तो जो कि गाइस क्या है, यहाँ आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे कोड की रीयूजबिलिटी नहीं हो पा रही, रीयूजबिलिटी इन द सेंस हमें सिर्फ सेंटर का हमें चाहिए, बाकी फूटर का हमें क्या, समझ लो होम से मैंने कॉपी किया, मतलब इंडेक्स पेज से कॉपी किया और ये वाला भी कॉपी किया। अब यहाँ पे आते हैं इंक्लूड स्टाइल कैसे यूज़ करें, आप क्या करो सिंपली एक इसी को कॉपी करके पेस्ट करो अबाउट को, और यहाँ पे लेट से बना लो क्या एक कंपोनेंट, कंपोनेंट राइट, कंपोनेंट्स कर लो, एक नया पेज बनाओ जिसका नेम रखो कंपोनेंट्स, और इसके अंदर क्या कर लो गाइस, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी HTML और CSS लाइक दैट, लेट से ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, वन सेकेंड डिलीट प्रॉपर करके दिखाता हूँ आपको, अदर्स पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट्स, सिर्फ सिंपल ओके अब क्या करने वाला हूँ, लेट से कि हमें जो जो कॉमन पार्ट्स हैं जो यूज होने हैं एप्लीकेशन में राइट, वो क्या है, पहला पार्ट है कंपोनेंट कौन सा, वो हमारा है हेडर सेक्शन, इसको मैंने कॉपी करना ठीक है, यहाँ से कट करो सिंपली, समझना यहाँ से मैंने अभी होम से कट किया ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं रखता जा रहा हूँ, लेट से मैंने इसका नेम रख दिया हेडर सेक्शन ठीक है, हेडर सेक्शन ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मैं लेट से यहाँ पे फूटर सेक्शन अभी रखूँगा जो वहाँ से कट करके लेकर के आऊँगा, ओके वेयर इज माई फूटर सेक्शन, दिस वन मैंने यहाँ से कट कर लिया, मेन को सिर्फ छोड़ूंगा मैं और बाकी यहाँ से फूटर को भी हटा लूँगा, अगर मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ गाइस तो यू कैन सी हियर यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो गाइस आप देखो यहाँ पे फूटर आ गया, हेडर आ गया, अब इन दोनों को मैं अब क्या करूँ, अगर मैं अबाउट में जाऊँ तो अबाउट में भी मेरे को अभी ये हटा देना, अभी यूज़ ही नहीं करना क्योंकि मैंने वो कंपोनेंट में रख लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रखना है और यहाँ से भी फूटर हटा देना है, सिर्फ मेन रखूँगा क्योंकि मेन का कंटेंट अकॉर्डिंग टू पेज हमें चेंज करना है, दैट्स इट। अगर यहाँ पे आता हूँ इसको भी सेव कर लेता हूँ, अगर अभी रीलॉन्च करूँगा तो अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उसको हटा दिया है, यू कैन सी हियर सेंटर का पार्ट आ रहा है और फूटर और हेडर गायब हो गया राइट। सिमिलरली गाइस होम पे भी मैंने ऐसा ही कर दिया था, नॉट होम यार इसको मैंने इंडेक्स बोलना है ठीक है,
राइट ओके अब कैसे आएगा फूटर कॉमन, अब इंक्लूड स्टाइल कैसे यूज होती है? देखो तीन तरीके होती है, एक होता है आपका इंसर्ट, इंक्लूड और तीसरा होता है आपका रिप्लेस, राइट। तो सबसे पहले रिप्लेस से समझते हैं, करना क्या है गाइस, लेट्स से मेरे पास एक ड्यू है, ड्यू लेट्स से दिस इज माय हेडर, राइट, हेडर, दिस इज माय हेडर, या फिर किसी डिजाइनर ने लेट्स से बना के दे रहा है, लेट्स से यहाँ पे दिस इज माय हेडर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गाइस क्या करूँगा, ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे ऊपर HTML के पास, यहाँ पे मेरे को TH what XMLNS dot what TH HTTPS and www.timeleaf.org, right? ये मैंने यूज़ करना है गाइस TimeLeaf के लिए। आई होप आप हमने इसके अंदर TimeLeaf को यूज़ कर रखा हो pom.xml फाइल के अंदर, राइट। अगर नहीं यूज़ किया होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आई थिंक या मैंने यूज़ कर रखा पहले से, राइट ओके। तो गाइस हम कहाँ पे थे, होम पेज, हाँ यस दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ना करके मैं दिखाता हूँ, कंपोनेंट्स में आना है। अब गाइस जो हेडर बनाए हैं ना आपने यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट किया है, आप क्या करो यहाँ पे इस हेडर को लिखो, यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट बनाओ, फ्रेगमेंट, दिस फ्रेगमेंट क्या होगा, ये यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट बना दे रहा हूँ। और इस फ्रेगमेंट का नेम आप रखो, तो कुछ भी कोई भी नेम देना चाहते हो, लेट से मैंने कहा हेडर, ये फ्रेगमेंट नेम है हेडर, राइट, कन्फ्यूज मत होना, ये हेडर टैग है, ये हेडर है, या फिर माई हेडर, या फिर हेडर ऐप, कुछ भी रख दो, मेनू रख दो, राइट। सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी आपको वही करना होगा, जस्ट मिनट व्हाट, ये कॉपी पेस्ट करना होगा यार, एब्सोल्युटली कंपोनेंट्स में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, राइट। तो दिस वन, राइट। और अगर मैं गाइस यहाँ पे इंडेक्स पे आता हूँ, और इंडेक्स पे अगेन मैंने क्या करना है, वो जो फ्रेगमेंट बनाया आपने, राइट, तो यहाँ पे क्या करना है, TH रिप्लेस, सबसे पहले रिप्लेस को समझते हैं, तीन तरह से होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है हमारा, अगर ध्यान से देखो कंपोनेंट्स कहाँ पे गाइस, टेम्पलेट्स के अंदर डायरेक्टली रूट पे, ठीक है। तो आपको कोई फोल्डर होल्डर नेम नहीं रखना है, सिर्फ कंपोनेंट्स वो, ओके जस्टमेंट कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखता हूँ, राइट, यहाँ पे है, राइट। तो इसके अंदर डायरेक्टली रूट पे कंपोनेंट्स डॉट एचटीएमएल, तो आपको कुछ नहीं वो फाइल का नेम यूज़ करना है, क्या F2 कर लो इस तरह से, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, लेकिन ये एचटीएमएल हटा देना है, राइट, डॉट एचटीएमएल हटा देना है, यहाँ पे डबल कॉलन लगाने हैं। उसके बाद इस कंपोनेंट्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर जो आप कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्यू को रिप्लेस करना चाहते हो जिस कंपोनेंट से, जिस फ्रेगमेंट को, उसका नेम लिखो, लेट्स से इस वाले हेडर सेक्शन वाले हेडर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पेस्ट कर देना है, सिंपल। बस अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो अभी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक आप देखने वाले हो, दिस वन रिप्लेस एंड इसको मैंने रिलॉन्च करना है, यू कैन सी हियर गाइस, देख सकते हो ये आ गया, अभी फूटर नहीं आया। अच्छा अंतर अभी मैं बताऊँगा, राइट, टेंशन मत लेना। अभी मैंने रिप्लेस क्यों यूज़ किया अभी मैं बताता हूँ, तीन तरह से होता है, एक रिप्लेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दूसरा इंसर्ट यूज़ कर सकते हो, और थर्ड इज इंक्लूड, राइट, इन तीनों का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अभी रिप्लेस का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह से गाइस क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा फूटर पे, ठीक है, दिस इज माय फूटर, ये सब दिखता नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ, बस दिस इज माय फूटर। तो अगेन गाइस यहाँ पे कंपोनेंट्स में आना है, और इसी तरह से TH फ्रेगमेंट आप कॉपी कर लो यहाँ पे आकर के, और फूटर कहाँ पे आपका ये, ठीक है, यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दो, राइट, दैट्स इट, TH फ्रेगमेंट, और इसका नेम भी रख दो, लेट्स से फूटर, ठीक है, या फूट लिख दो, फूट लिख दो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि ऐसा नहीं है कि मैं इस टैग का ही नेम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, राइट। तो आप वापस आओ इंडेक्स पे एंड गाइस इसको रिप्लेस कर दो, कंपोनेंट्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर हमारा फूट नाम का फ्रेगमेंट है जिसको इसको रिप्लेस कर दें, राइट, कंट्रोल एस। और गाइस सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके अबाउट में भी रख दोगे तो अबाउट में भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी रख दोगे तो यहाँ पे इसके हेडर कर दो, तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया,
दोनों पेज बन गए गाइस। यहाँ पे लिखा और रीयूज कर लिया इंडेक्स के अंदर, अबाउट के अंदर, और हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो कॉमन है, मतलब डिफरेंट है, वो चेंज होता रहेगा। लेट्स से दिस माय होम पेज, दिस इज माय इंडेक्स पेज, लाइक दैट। रिलॉन्च करना है, पेज पे आना है, रिफ्रेश करना है। अभी देखोगे फूटर और आपका हेडर सेक्शन दोनों आ चुका है। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई होप। एंड साथ ही साथ गाइस अगर मैं यहाँ पे अबाउट करूँगा तो अबाउट के अंदर भी आपको दिख रहा है आई एम अबाउट अस, दैट्स इट। ओके फाइन, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं अंतर बताता हूँ क्या है, रिप्लेस क्यों मैंने यूज़ किया। देखो यार, जो कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने उसको तो फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि कंपोनेंट्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया, राइट, ये कंपोनेंट्स यूज़ होना है। लेकिन जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डॉट टी एच कॉलन रिप्लेस करके यूज़ करना है, हमेशा याद रखना टी एच कॉलन यूज़ करना है, ठीक है, थाइमलिप का है, ठीक है। रिप्लेस का मीनिंग क्या है, रिप्लेस का मतलब ये जो डिव है, ये जो डिव है, ये पर्टिकुलर जो डिव है, ये पूरा डिव रिप्लेस हो जाए इस फूड कंपोनेंट से, मतलब ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहा है, ये फूड कंपोनेंट, ये पूरा फूटर कॉपी हो करके आएगा, यहाँ से कॉपी होगा और इंडेक्स के अंदर आएगा और इस पूरे डिव को रिप्लेस कर देगा। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम व्हाट, अल्टीमेटली ये बन जाएगा ये, राइट। अगर आप ब्राउज़र पे देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो मैंने हेडर पे लिखा था क्या, आई एम हेडर समथिंग, लेकिन ये पूरा पूरा क्या होगा, ये पूरा पूरा हेडर से रिप्लेस हो गया। और जबकि यहाँ पे मैंने लिख क्या रखा था, अगर इंडेक्स में देखोगे तो ये लिख रखा था दिस इज माय हेडर, मतलब ये पूरा डिव रिप्लेस होकर के क्या बन गया, दिस वन हेडर, और वो हेडर क्या है गाइस, जो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर रखा है, मतलब वो पूरा ये वाला बन जाएगा, राइट। तो ये रिप्लेस करता है, रिप्लेस मतलब बहुत ही सिंपल है, इस डिव को रिप्लेस करो जो इस कंपोनेंट में ये फ्रेगमेंट है हेडर से, वो पूरी एचटीएमएल उठा करके इस पर्टिकुलर डिव को रिप्लेस कर दो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेस। अब यहीं पे बात आती है कि आपका इंसर्ट कैसे काम करता है, इंसर्ट समझो यहाँ पे, लेट्स से इंसर्ट, इंसर्ट क्या करेगा समझना यहाँ पे, ठीक है। मैं इंडेक्स पे अभी चेंजेस कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अगर मैंने इसको रिलॉन्च किया। इस बार इंसर्ट क्या करता है, बेसिकली जो कंपोनेंट से ये पूरा हेडर का कॉपी करेगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद इंडेक्स के अंदर आएगा, इस ड्यू के अंदर वो इंसर्ट होगा, मतलब इस ड्यू का चाइल्ड बनने वाला है, इंसर्ट करेगा, मतलब इस ड्यू को रिप्लेस नहीं करेगा, इसके अंदर इंसर्ट होगा, वो क्या करेगा, और जबकि रिप्लेस क्या, ड्यू को रिप्लेस करके वो एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करता है पूरी, जबकि इंसर्ट क्या करता है, उस वहाँ से जो कंपोनेंट्स कॉपी हुआ है उस पूरे कंपोनेंट्स को कॉपी करके इसके अंदर रखेगा। चलिए देखते हैं ब्राउजर के अंदर। सो नाउ गाइस यू कैन सी हियर, अगर मैंने इसको रिलॉन्च करना है तो देखो इसके अंदर तो अभी हेडर ही है क्योंकि इसके अंदर चेंज नहीं किया, लेकिन होम के अंदर अगर चेंज देखते हैं तो गाइस यहाँ पे देखो नॉट होम यार, इसको नाम है इंडेक्स, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे गाइस, यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो HTML एलिमेंट था वो तो चला गया, वो तो रिमूव हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान से देखो ड्यू रिप्लेस नहीं हुआ, ड्यू के अंदर उसका हेडर चाइल्ड बना हुआ है, जबकि अबाउट के केस में ड्यू पैरेंट नहीं था, डायरेक्टली ये हेडर था सिर्फ। ये अंतर है इंसर्ट और रिप्लेस में। रिप्लेस क्या करता है, पूरी ड्यू को रिप्लेस करके कॉन्टेंट कॉम्पोनेंट फ्रेगमेंट ऐड करता है, और ये क्या करता है, ड्यू के अंदर जो भी होगा उसके अंदर उस फ्रेगमेंट को ऐड करता है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मैं इसके बारे में बात अब नहीं करूँगा। और अब बात कर लेते हैं इंक्लूड की, बात क्या होती है इंक्लूड गाइस, बहुत ही सिंपल है। इंक्लूड का मतलब क्या है समझना, इंक्लूड मीन्स व्हाट, इंक्लूड लेट्स से ओके जस्ट मिनट वन सेकेंड, मैं यहाँ पे इंसर्ट ही रखता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड समझा देता फूटर के केस पे, राइट। इंक्लूड का मीनिंग क्या है, ठीक है, इंक्लूड मतलब गाइस बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसको रिलॉन्च करके ही दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे क्या फूटर, तो ये क्या करेगा, अब इसके फूटर वाले टैग को नहीं उठाएगा, इसके अंदर के चाइल्ड को कॉपी करेगा ये सिर्फ, ठीक है। इंक्लूड जब यूज़ करते हैं, जब इंक्लूड यूज़ करते हैं तब क्या करता है, वो कंपोनेंट जिस पे भी ये टी एच फ्रिक्वेंट लिखा उसके अंदर के चाइल्ड को कॉपी करता है, जबकि रिप्लेस और इंसर्ट के टाइम पे ये पूरे को कॉपी करता है, राइट। इंक्लूड के केस में इसको सिर्फ कॉपी करके वहाँ पे ऐड करेगा। चलिए दिखा देता हूँ, अगर गाइस यहाँ पे आओ
और रिलॉन्च करो गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप फूटर पे, ये देखो अभी फूटर टैग दिख रहा है। अब के क्या हुआ गाइस, ड्यू के अंदर ड्यू ऐड हुआ है। क्या हुआ मतलब दिस वन, ये ड्यू कॉपी हुआ और इंडेक्स के अंदर इस वाले ड्यू के अंदर इसका चाइल्ड बन गया, इसके अंदर आकर के पेस्ट हो गया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो फूटर टैग गायब हो गया है, राइट, जबकि अभी अबाउट में होगा। आई होप गाइस यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंक्लूड कैसे वर्क कर रहा है, राइट। और इसका डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया कि इंक्लूड का, इंक्लूड स्टाइल का पेन क्या होता है, जो कि ओवरव्यू वीडियो में मैंने बताया था इसके जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में, राइट। तो गाइस बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल है। तीन तरीके से इंक्लूड स्टाइल यूज़ करते हैं, इंसर्ट, रिप्लेस और थर्ड है हमारा वॉट, इंक्लूड इंसर्ट और रिप्लेस, राइट। तीन तरह से यूज़ करते हैं। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा, आप ये HTML को भी उठा करके कॉपी करके पूरी पूरी HTML यहाँ से, लेट्स से दिस वन, और यहाँ से ये पूरी जो यहाँ अबाउट अस में ये बार बार कॉमन यूज़ हो रहा है, राइट, तो ये आप यहाँ से कट करके लेआउट कंपोनेंट्स में आ करके यहाँ पे भी रख सकते हो। जस्ट मिनट, दिस वन, लेट्स से अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, टाइटल आइटल बाद में मैनेज कर लेना आप, कोई वो बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इसके अंदर गाइस क्या कर सकते, इस हेड को मैं फ्रेगमेंट बना देता हूँ, हेड को मैं फ्रेगमेंट बना देता हूँ, TH फ्रेगमेंट, ठीक है। और इसको हेडर फाइल्स लिख दो, लेट्स से हेडर फाइल्स लाइक दैट, ठीक है, वेरी सिंपल। और ये टाइटल हटा दो यहाँ से, थोड़ा सा ऑड लगेगा, राइट, दैट्स इट। और यहाँ से अच्छा मैंने स्क्रिप्ट फाइल शायद ऐड कर रखी है, स्क्रिप्ट फाइल नहीं ऐड की है, अच्छा स्क्रिप्ट फाइल को भी आपको उठा लेना है, होम पे आना है, एंड पे आना है, और ये स्क्रिप्ट फाइल, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन दिखे, ठीक है, मेसी ना लगे चीज़ें। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लेट्स से स्क्रिप्ट लाइक दैट, एंड ये पेस्ट। और गाइस यहाँ पे भी आप क्या करो, वही करो गाइस, यहाँ पे एक ड्यू बना लो, राइट, ड्यू कट करो, और इस पूरी स्क्रिप्ट को मैं एक ड्यू के अंदर रख दूंगा, इसको मैं एक फ्रेगमेंट बनाऊंगा ना, इसलिए TH कॉल फ्रेगमेंट, वन सेकेंड, फ्रेगमेंट, राइट। और इसको मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, माय स्क्रिप्ट या कुछ भी रखना हो रख लो। इसी तरह से गाइस यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट हेडर फाइल्स, और यहाँ पे आके के वो सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कर दो रिप्लेस। रिप्लेस यहाँ पे देखो इंक्लूड बहुत अच्छे तरीके से यूज होगा, यहाँ पे रिप्लेस मत करो, देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमें ये ड्यू नहीं चाहिए, मतलब ये कॉपी नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर वाला कॉपी करना है, राइट। तो इसके अंदर वाला कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार इंक्लूड यूज़ करेंगे। तो अब बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी, राइट। तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, तो इस ड्यू के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, या फिर आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो, एज योर चॉइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्यू यूज़ करो, यहाँ पे इस ड्यू को रिप्लेस करके उसके अंदर के चाइल्ड को कॉपी पेस्ट कर लो लाइक दैट। तो इस तरह से भी कर लो, मतलब रिप्लेस वो ड्यू के साथ ही कॉपी पेस्ट करेगा बहरहाल, अभी क्योंकि फ्रेगमेंट बना रखा है, तो यहाँ पे जो भी आप मर्जी हो वो आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इसको हटा दो, राइट, ये स्क्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हेड पे आपको क्या करना है, हेड पे सिमिलरली गाइस यहाँ पे आओ, कॉपी करो, और यहाँ पे हेड सेक्शन में गाइस हेड, अच्छा ये हेड बना हुआ है, तो आप इसके अंदर को इंक्लूड कर लो, राइट, कि मुझे इसके अंदर वाला ही चाहिए, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड यूज़ कर लो, इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेड, यू नो, हेड कंपोनेंट लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड, राइट। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे हेडर फाइल्स कर लो, हेडर फाइल्स, ठीक है, और दैट्स इट, इंक्लूड कर लो, और चाहो तो यहाँ पूरा ये हेड हटा दो, एज योर चॉइस, तो चाहो तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो, जो भी मर्जी हो, ये आपको डिपेंड करना है, मतलब तीनों चीज़ें मैंने बता दी कैसे यूज़ करना है। लेट से मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, सीधे हेड पे रख देता हूँ, और मैं ये पूरा हेड हटा ही देता हूँ, राइट। तो ये रिप्लेस कर देगा पूरा हेड से, ये जो भी कंपोनेंट्स के अंदर होगा। अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी अबाउट पे नहीं किया, मैंने सिर्फ इंडेक्स पे किया हुआ है, तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कंसोल पे क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा ये तो डिफरेंट है, इससे कोई मतलब नहीं वो सी एस एस का। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आ चुका है। अच्छा फूटर नहीं आया, फूटर में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे राइट। आई थिंक वीडियो का लेंथ अभी लेंदी हो रहा है। ओके कॉम्पोनेंट्स फूट इंक्लूड दिस वन, और इसको मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ ठीक है, अभी रिप्लेस और ये रिलॉन्च करना है। राइट इस तरह से गाइस चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अच्छा मैं जाते जाते और एक बात बता देता हूँ, वीडियो का लेंथ लेंदी हो रहा है आई नो, बट स्टिल यार इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आप गाइस इस कंपोनेंट्स को स्प्लिट करके मल्टीपल फाइल्स में भी डिवाइड कर सकते हो। लेट से कि कंपोनेंट्स के अंदर आपने फूटर भी रख रखा है, आपने हेडर को भी रख रखा है, तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट एक एचटीएमएल फाइल में रखना है, लेट से कि हेडर्स डॉट एचटीएमएल फाइल्स, उसके अंदर हेडर्स कंपोनेंट आप रख लो, हेडर के एचटीएमएल रख लो, उसको यहाँ पे अलाइन कर सकते हो, इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो राइट। इसी तरह से आप फूटर की एक एचटीएमएल फाइल सेपरेट क्रिएट कर सकते हो, उसको भी इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एक ही भी तरीका, मैंने एक ही कंपोनेंट्स बनाया और उसी को मैं यहाँ पे सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, इसी के अंदर सारा कंपोनेंट्स बनाता जा रहा हूँ। तो इससे क्या है, ये भी एक टाइम पे बहुत मेसी हो जाएगा, तो इसलिए स्प्लिट कर दो फाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स फाइल्स में राइट। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर इनकेस कल को ये किसी डिफरेंट फोल्डर के अंदर है, लेट्स से लेआउट और फ्रेगमेंट्स व्हाटएवर यू कैन इमेजिन दैट फिनिश, मान लो इसके अंदर हमारा ये है राइट। तो गाइस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अगर आप यहाँ पे अभी रिलॉन्च करोगे तो ऑफ कोर्स ये अभी रन नहीं होगा। रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो है वो लेआउट फोल्डर के अंदर है और यहाँ पे उसको मिलेगा नहीं ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एरर देखने को मिलेगी। तो आपको रिजॉल्व कैसे करना है, इंडेक्स पे आना है सिंपली, और यहाँ पे आपको इस तरह से मेंशन कर देना है लेआउट्स के अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे भी लेआउट्स कर दो और यहाँ पे भी लेआउट्स और यहाँ पे भी लेआउट्स और इसके बाद यहाँ पे भी लेआउट्स और यहाँ पे भी लेआउट्स। और अगर गाइस इसको रिलॉन्च करूँ तो डेफिनेटली चल जाना चाहिए इस बार। और इसके अलावा गाइस आप ऐट द रेट कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करके भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लाइक दिस एट द रेट, ये बेहतर तरीका होता है, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना ही गाइस है एंड बस दैट्स इट। ये कौन सा था, अबाउट, तो अभी मैं अगर रिलॉन्च करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अबाउट पे भी कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।